दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल है। वो दीवानगी जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक कि पहाड़ का सीना ना चीर दिया। बिहार में गया के करीब गहलोर गांव में दशरथ मांझी द माउंटेन मैन बनने का सफर उनकी पत्नी का जिक्र किए बिना अधूरा है। गहलोर और अस्पताल के बीच खड़े जिद्दी पहाड़ की वजह से साल 1959 में उनकी बीबी फाल्गुनी देवी को वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और वो चल बसी। सबसे नजदीकी शहर जहां डॉक्टर रहते थे वो उनके गांव से 70 किलोमीटर दूर था। यहीं से शुरू हुआ दशरथ मांझी का इंतकाम। पत्नी के चले जाने के गम से टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें पागल तक कहा गया। दशरथ मांझी ने बताया था, गांव वालों ने शुरू में कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज ने कब्जा कर रखा था, पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना। और 22 साल जारी रहे जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया। दशरथ मांझी के गहलोर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 80 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह गया। केतन मेहता ने उन्हें गरीबों का शाहजहां करार दिया। साल 2007 में जब 73 वर्ष की उम्र में वो दुनिया छोड़ गए तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी जो आने वाली कई पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।